हेलो फ्रेंड्स, मैं अंशु और स्वागत है आपका मिस्टर अंश नॉलेजेबल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि रेल के कोच पर कुछ अंक और कोड लिखे होते हैं, उसका क्या मतलब होता है। अगर आपने यह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि रेल के वैगन यानी मालगाड़ी पर लिखे इस 11 डिजिट का मतलब क्या होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये जानकारी ज़रूर होना चाहिए कि इंडियन रेलवे में कितने प्रकार का वैगन यूज किया जाता है। दोस्तों, आप ट्रेन में सफ़र करते हुए मालगाड़ी के डिब्बे पर नंबर और कोड लिखे देखते होंगे और ये मालगाड़ी अलग अलग टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं वैगन कितने टाइप के होते हैं, किसका क्या काम है। सबसे पहले दोस्तों आता है ओपन वैगन, जो कि बॉक्स टाइप का होता है और ऊपर से खुला होता है। इन वैगन को उनके लोड के सामान के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप में बांटा गया है, जैसे कि BOXN HL। दूसरा होता है कवर्ड वैगन, जो कि ऊपर से बंद होता है, जैसे BCNA फूड या सीमेंट के लिए, BCCNR जो कि व्हीकल के लिए यूज होते हैं। तीसरा है टैंक वैगन, जिसमें तेल या किसी लिक्विड को ले जाया जाता है। इसका भी अलग अलग टाइप होता है, जैसे BTPN पेट्रोल के लिए, BTPGLN LPG के लिए और BTCS कास्टिक सोडा के लिए यूज होता है। इसके बाद आता है फ्लैट वैगन, जो पूरी तरह से खुला होता है, इसके साइड में कोई दीवार नहीं होता है। इसे भी सामान के अनुसार अलग अलग टाइप में बांटा गया, जैसे BRNA जो कि किसी रेल के इक्विपमेंट के लिए, BFNS जो कि क्वाइल को ले जाने के लिए, BOMN जो कि किसी मिलिट्री वैन के लिए, BLCA किसी कंटेनर के लिए यूज होता है। उसके बाद आता है हॉपर वैगन, जैसे कि BOBYN जो कि पत्थर के लिए, BOBRN पोल के लिए यूज होता है। फिर आता है वेल वैगन, जैसे कि BWTB या BMBWT और उसके बाद ब्रेक वैन, जिसमें भी 4 और 8 व्हीलर का होता है, जो कि मालगाड़ी के सबसे लास्ट में लगाया जाता है। दोस्तों, 2003 में इंडियन रेलवे के द्वारा गुड्स के इन वैगन को आसानी से आइडेंटिफाई करने और कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन के लिए 11 डिजिट के नंबर को लोकेट किया गया, जिसमें पहला डिजिट वैगन के टाइप को बताता है, मतलब कि वो किस टाइप के वैगन है, जिसमें 10 से लेकर 22 तक के डिजिट ओपन वैगन के टाइप को बताता है, 30 से लेकर 39 तक के डिजिट कवर्ड वैगन को इंडिकेट करते हैं, 40 से लेकर 54 तक के डिजिट टैंक वैगन को बताते हैं, 55 से लेकर 69 तक के डिजिट फ्लैट वैगन को बताते हैं, 70 से लेकर 79 तक का डिजिट हॉपर वैगन को बताते हैं और 80 से लेकर 84 तक का बेल वैगन को और 85 से लेकर 89 तक का डिजिट किसी ब्रेक वैन को बताते हैं। अब दोस्तों, थर्ड और फोर्थ डिजिट रेलवे के जोन को इंडिकेट करता है, मतलब कि वो किस रेलवे जोन के अंडर का वैगन है, जैसे 01 सेंट्रल रेलवे जोन, 02 ईस्टर्न रेलवे जोन को बताता है। बाकी सारे जोन को आप यहाँ देख सकते हैं। अब दोस्तों, 5 और 6 डिजिट ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का बताता है, जैसे 06 2006 को और 14 2014 को बताता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं यह 2006 का बना हुआ है। अब 7 से लेकर 10 तक का नंबर पार्टिकुलर नंबर ऑफ वैगन बताता है, जो कि डिपार्टमेंटल स्टॉक को इंडिकेट करता है कि वह किस डिपार्टमेंट में कितने वैगन इशू हुए हैं। लास्ट डिजिट इन सारे नंबर का एक चेक पॉइंट होता है। अब दोस्तों, इन सारे नंबर को आप शॉर्ट में याद रखना चाहते हैं तो यह तरीका है TOYS TWICE, जिसमें T4 टाइप्स ऑफ वैगन, जो मैंने पहले बताया है कि फर्स्ट 2 डिजिट वैगन का टाइप बताता है, अब O4 ओनिंग ऑफ रेलवे, मतलब इस वैगन का ऑनर कौन है। इसके बाद Y आता है, जिसका मतलब ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब किस सन में यह बनकर तैयार हुआ है।
फिर आता है एस, मतलब सीरियल नंबर ऑफ वैगन, कि किस वैगन का सीरियल नंबर क्या है जिसमें सभी वैगन का नंबर अलग अलग होता है। अब दोस्तों हम यह भी जान लेते हैं कि वैगन पर आर या वापसी लिखने का क्या मतलब होता है, इसमें ईयर भी मेंशन होता है। इसका मतलब यह है कि इतने ईयर में इस मंथ में इस वैगन को रिपेयर के लिए वापस करना है। अब सवाल यह है कि इस वैगन को वापस करना कहाँ है। तो दोस्तों एक मालगाड़ी की आयु 30 से 40 साल की होती है, लेकिन इतने लंबे समय तक इस वैगन को चलाने के लिए समय समय पर इसकी मरम्मत की ज़रूरत होती है ताकि इन्हें लाइन पर चलने में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। दोस्तों इन्हीं मरम्मत में पहला है 15 दिन से 35 दिन तक ट्रिप एग्जामिनेशन सह मरम्मत, दूसरा है 1.5 साल से 2 साल के बाद, जिसे कि रूटीन ओवरहॉल ROH बोला जाता है, जो कि वैगन डिपो में किया जाता है। तीसरा है 4.5 साल से लेकर 6 साल के बाद, जिसे कि पेरियोडिक ओवरहॉल POH बोला जाता है, जो कि वैगन का खानों में किया जाता है, जहां से इस वैगन को लगभग नया बना दिया जाता है। इसलिए किसी वैगन के लिए यह ज़रूरी है कि उसे समय पर मरम्मत के लिए कारखानों तक पहुंचाया जाए, और जब वैगन POH के लिए जाता है तब मरम्मत के बाद उस डेट से 4.5 साल या 6 साल आगे जोड़कर लिख दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए सितंबर 2019 में कोई वैगन POH के लिए आता है तब मरम्मत के बाद उस पर R3 2024 लिख दिया जाता है, यानी कि मार्च 2024 में इस वैगन को रिटर्न करना है। इसी डेट को देखकर इसे मालगाड़ी से काट कर मरम्मत के लिए कारखानों में भेज दिया जाता है, जो कि ट्रेन एग्जामिनर के देखरेख में होता है, जो कि यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई वैगन रिटर्न डेट के बाद गुड्स ट्रेन में न चले। दोस्तों इन गुड्स ट्रेनों के मरम्मत के लिए खड़गपुर, रायपुर, डिब्रूगढ़, जमालपुर और झांसी में कारखाने बनाए गए हैं। तो दोस्तों अब इस तरह से आप समझ गए होंगे कि गुड्स ट्रेन के वैगन पर लिखे 11 डिजिट के नंबर और आर वापसी का क्या मतलब होता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।